नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत। आज सबसे बड़ा मुद्दा में बात होगी गोरखपुर मामले में उन सवालों को लेकर जिनका जवाब अब तक नहीं मिल पाया है। सरकार सफाई के लिए सामने तो आ रही है, लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब नहीं दिया जा रहा है। विपक्ष सरकार पर हमलावर है, तो वहीं एक्शन के नाम पर प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को हटा दिया गया है। ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई या नहीं, अभी तक सरकार ये साफ नहीं कर पाई है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़े हैं। मेरे साथ गोरखपुर से शिव प्रताप शुक्ला जुड़ रहे हैं, राज्यसभा सांसद हैं, और आज जब योगी आदित्यनाथ गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के दौरे पर थे तो वो भी साथ में थे। दिल्ली से शहजाद पूनावाला कांग्रेस के नेता जुड़े हैं। साथ लखनऊ से हमारे साथ जुड़ेंगे समाजवादी पार्टी के नेता केसी जैन, बात करेंगे, और गोरखपुर से हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे ताज़ा अपडेट के साथ। लेकिन एक रिपोर्ट पहले आपको दिखाते हैं, पहले रिपोर्ट देखें, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत के बाद से देश भर में हाहाकार मचा है। सरकार और प्रशासन पर सवाल उठे तो जवाब के लिए सरकार के कद्दावर मंत्री और खुद सीएम मीडिया के सामने आ रहे हैं। सीएम योगी खुद बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचे और 3 घंटे तक अस्पताल में समय बिताया। इसके बाद एक बार फिर वो मीडिया से रूबरू हुए, सवालों के जवाब दिए, पत्रकारों से फेक रिपोर्टिंग ना करने की अपील की, लेकिन अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब नहीं मिल पाया है। सवाल नंबर 1, क्या अधिकारियों ने सीएम से ऑक्सीजन सप्लायर के बकाए वाली बात छुपाई थी? सवाल नंबर 2, ऑक्सीजन सप्लायर कंपनी का उधार 68 लाख से ज्यादा क्यों होने दिया गया? सवाल नंबर 3, क्या ऑक्सीजन सप्लाई बंद होने के बारे में गोरखपुर से लखनऊ तक के अधिकारियों को जानकारी थी? पिछले 2 दिनों से इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। बच्चों की मौत की वजह इंसेफलाइटिस हो या फिर ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होना, लेकिन इतना तो साफ है कि अगर अस्पताल प्रशासन और सरकार सतर्क रहते तो इतने परिवार के चिराग यूं ना बुझ जाते। गोरखपुर से विनोद मिश्र और मोहित राज दुबे के साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के बीआरडी अस्पताल पहुंचे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी सीएम योगी के साथ थे। सीएम ने एक्शन का भरोसा दिया, तो वहीं पत्रकारों को भी नसीहत दे दी कि फेक रिपोर्टिंग ना हो। हम लोग इन मुद्दों को लेकर के, उन सभी पक्षों को लेकर के हम लोग इस पर कार्य कर रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है, उनकी रिपोर्ट का थोड़ा इंतजार करिए। दोषियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। मैं 1996-97 से इस लड़ाई को लड़ रहा हूं। मैंने अपने आंखों के सामने यहां के पूर्वी उत्तर प्रदेश के बच्चों को मरते हुए देखा है। हम लोग अब ये नहीं होने देंगे। और मुझे आश्चर्य होता है कि सभी ने इस बारे में मुझे आश्वस्त किया कि नहीं, हम लोग इस समस्या का समाधान करेंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि लोगों ने उस समस्या के लिए अपने यहां व्यवस्थाएं भी की। उन बच्चों के प्रति मुझसे ज्यादा संवेदनाएं किसकी हैं, क्योंकि इस लड़ाई को सड़क से लेकर के संसद तक मैं लड़ा हूं। एक बार थोड़ा वार्डों का निरीक्षण आप सब करें, वार्ड में जाएं, अफरा तफरी करके नहीं, हड़बड़ी में नहीं, ये धक्का मुक्की करके नहीं। जो दृश्य आज वहां पर था उस प्रकार का दृश्य नहीं। आप यहां पर बैठिए, मैंने डीसीएमई से भी कहा है, जिलाधिकारी से भी कहा है, 2-2, 3-3 पत्रकारों को अंदर लेकर जाकर के दिखवाएं और वहां जाकर के वास्तविक स्थिति की जानकारी उनको होनी चाहिए, उन तथ्यों से उन्हें अवगत कराएं। बाहर बैठ करके केवल फेक रिपोर्टिंग नहीं, वास्तविक रिपोर्टिंग आनी चाहिए और इस प्रदेश की जनता को भी और समाज को भी जानने का अधिकार होना चाहिए। और ऐसे में न्यूज स्टेट के कुछ अहम सवाल हैं जिनके जवाब आज हम तलाशेंगे, और उम्मीद है कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो इन सवालों का जवाब देंगे। अधिकारियों ने सीएम से ऑक्सीजन सप्लायर के बकाए वाली बात छुपाई थी, कंपनी का उधार 68 लाख से ज्यादा क्यों होने दिया गया जबकि 10 लाख तक ही नियम है? क्या ऑक्सीजन सप्लाई बंद होने के बारे में अधिकारियों को
पता था। ये तमाम अहम सवाल हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ शिव प्रताप शुक्ला जुड़ रहे हैं गोरखपुर से और राज्यसभा सांसद हैं उत्तर प्रदेश से, गोरखपुर की राजनीति को समझते हैं। और साथ ही आज जब योगी दौरे पर गए थे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो मौजूद थे और वहाँ पर उनके साथ अंदर भी गए थे। मेरे साथ केसी जैन साहब जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, शहजाद पूनावाला हैं कांग्रेस के नेता। आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले शिव प्रताप शुक्ला जी, आप तो बहुत वक्त से बीआरडी मेडिकल कॉलेज को जानते हैं। धन्यवाद। जब से सरकार बनी तब से सब कुछ ठीक चल रहा था क्या मेडिकल कॉलेज में? जानकारी नहीं थी कि क्या हो रहा है वहाँ पर? देखिए, ऐसा है कि सरकार बनी तब से योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, चार बार बीआरडी मेडिकल कॉलेज में आ चुके हैं। अभी पिछले 9 तारीख को भी आदित्यनाथ जी बीआरडी मेडिकल कॉलेज में गए थे और पूरी समीक्षा किए थे, और उस समीक्षा में उन्होंने साफ साफ ये पूछा था कि और क्या कमी है, और क्या कमी है। लेकिन ऐसी कोई कमी किसी भी ने नहीं बताया जिसके आधार पर एकाएक जो ये उबाल आया है उसको वो फेस करते हैं। जो बात आई उसमें मैं महसूस करता हूँ कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हम भी ये महसूस करते हैं कि गंदगी की बात रही है, उसको समय समय पर दूर करने की बात रही है। योगी आदित्यनाथ जी स्वयं इंसेफेलाइटिस को लेकर करके हमेशा आक्रामक रहे हैं। जब भी सांसद रहे हैं तो बीआरडी मेडिकल कॉलेज से लेकर के कमिश्नर के ऑफिस तक का, चाहे सड़क मार्च हुआ हो और चाहे वो हमने देखा है शुभता के माध्यम से का मार्च वो करते थे, हमने देखा है। लेकिन चूंकि वक्त कम रहता है शुभप्रताप शुक्ला, इसलिए माफ करेगा बीच बीच में आपको रोकना पड़ रहा है तमाम सवालों के लिए। सवाल मेरे पास बहुत सारे हैं। और आप तो जब बीजेपी की सरकार थी पिछली बार उत्तर प्रदेश में, तो उसमें आप मंत्री भी थे, आप तो बहुत करीब से देखते हैं। बहुत कंफ्यूजन है, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं, तो दर्शक भी शायद नहीं समझ पा रहे होंगे। सवाल ये कि क्या ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई या कोई और वजह है? अब तक आपने क्या महसूस किया? आप तो अंदर गए थे, आप तो सीएम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी थे। जी हाँ, मैं अंदर भी गया था, सीएम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी था, और एक नहीं कम से कम हम सभी लोगों ने, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने भी और आशुतोष टंडन भी, सभी अधिकारी भी, सभी लोगों के साथ हुए। कम से कम 100 मरीजों से हम सभी लोगों ने संपर्क किया होगा। वह इंसेफेलाइटिस के भी मरीज रहे होंगे या इसके भी एवी के भी मरीज रहे होंगे, तो उन सभी से जिनके सारे पेपर्स देखने के बाद और जो भी वहाँ डॉक्टर थे, ये नहीं कहीं आया कि कोई भी मरीज ऑक्सीजन की कमी के नाते मरा है। हम जैसे शुरुआत में जो रिपोर्ट आई उस समय राज्यसभा उसी दिन स्थगित हुई, मैं भी बहुत चकरा गया कि ये क्या हो गया। लेकिन आज जब वास्तविकता देखी तो एक केवल एक और एक व्यक्ति के नाते जिसने अपने को केवल ये सिद्ध करने के लिए, चाहे जो भी उसने सिद्ध करना चाहा हो, डॉक्टर कौफिल, डॉक्टर कौफिल ने शहजाद आ रहा हूं सिलेंडर ले ला करके ये कहा कि हाँ लाए हैं, कहाँ से लाए हैं, तो हम अपने पत्नी के हॉस्पिटल से लाए हैं। पूछा भी गया कि क्या इसका मतलब है, आप प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते हो? उसका कोई जवाब उनके पास नहीं था। लेकिन किसी भी डॉक्टर ने, सभी लोगों ने ये कहा कि नहीं, डॉक्टर कौफिल ने गलत कहा है, यहाँ पर पूरी तौर पर जो है ऑक्सीजन का सिलेंडर मौजूद था, सभी को ऑक्सीजन लगा हुआ था। मरीजों के तीमारदार जो थे उनसे भी पूछा गया तो उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया, नहीं साहब ऑक्सीजन की कमी हमको कभी महसूस नहीं हुई। ठीक है, मैं आज बड़े दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं कि ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। लेकिन शिव प्रताप शुक्ला जी, आज जब मुख्यमंत्री से इस सवाल का जवाब किया गया तो उन्होंने ये कहा कि अभी मैं कुछ इस पर बोलूंगा नहीं, एक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है, जांच आ जाने दीजिए रिपोर्ट, उसके बाद वो बोलेंगे। तो क्या आपके चिकित्सा शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री कल बहुत जल्दबाजी में थे और सारे उसमें बयान दिया उन्होंने कि नहीं किसी मरीज की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई, बगैर जांच रिपोर्ट आए हुए?
देखिए जो चीज मैंने आज देखा, लोगों से सुना, महसूस किया, जब आपने वो प्रश्न किया है तो उस प्रश्न का जवाब मैंने दिया है। मैं जांच अधिकारी नहीं हूँ, जांच अधिकारी अपनी रिपोर्ट जो देंगे वो ठीक है। मैं आता हूँ आपके पास शहजाद, आप कुछ कहना चाह रहे थे बहुत देर से, कार्रवाई करेगी शहजाद, लेकिन आपके प्रश्न का जवाब मैंने दिया। ठीक है मैं आता हूँ आपके पास शहजाद। मैं इतना निराश हूँ, जिस तरीके से पहले तर्क दिए गए कुछ पुराने आंकड़े गिनवाकर और आज लीपापोती करने के नाम पे जांच होने से पहले ही अपने आप को क्लीन चिट देना, इसके अलावा जिस व्यक्ति ने मदद की, कफील ने, और सारा मीडिया कह रहा है किस तरीके से उसने मदद की, उस पे भांडा फोड़ना और अपनी जिम्मेदारी से भागना, और एक तरीके से अपने आप को क्लीन चिट देने की जो प्रथा चल रही है, अभी तक किसी ने नैतिक जिम्मेदारी नहीं ली, अभी तक आपराधिक लापरवाही किस पे तय होनी चाहिए वो अभी तक तय नहीं हुआ है, और वो परिवार के लोगों को जिनकी रिपोर्टें आप बता रहे हो कि ऑक्सीजन की कमी से हुई है, आपको भी नहीं छोड़ा, आपको भी फेक न्यूज़ कह दिया। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या ये एक पूरा आपके सामने है कि कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा? तो हमें पूछना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी से, जो कि पोर्चुगल और लंदन तक की बातें कर देते और ट्वीट पे जिक्र कर देते उसका, क्या प्रधानमंत्री मोदी देख रहे हैं क्या हो रहा है? क्या उनको इसमें हस्तक्षेप करके इस मंत्री को, क्योंकि जब तक मंत्री नहीं हटेगा, जब तक योगी आदित्यनाथ पे कार्रवाई के लिए कुछ नहीं कहेंगे मोदी जी, तब तक एक निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। देखिए भाजपा के लोग तो पहले ही 78 से चल रहा है शहजाद, एक और बात ही, 78 से सब कुछ हो रहा है, सबसे ज्यादा तो सत्ता में आप भी रहे, अगर आप भी तस्वीर बदल देते तो शायद कम से कम इस पर चर्चा कम करनी पड़ती। मैं आपको बताऊं कि जो पहले तो दो गलत एक सही नहीं बनता, आज जो हुआ है उसका जस्टिफिकेशन ये नहीं हो सकता कि ये पहले भी हो रहा है। ठीक बात है, ठीक बात है। 4 महीने से इनकी सरकार है, इनकी जवाबदेही है और उससे कोई हट नहीं सकता। ठीक बात है। दूसरी बात, क्या पहले कभी इतनी ऑक्सीजन की कमी, ऐसे लिखित पत्र हैं हमारे पास कि ये कमी थी, कमी बताई गई, और उसके बावजूद ये आपराधिक लापरवाही के चलते इसके ये बच्चों की मौत हुई है, तो कहीं ना कहीं मर्डर का चार्ज, मर्डर का अपराध जो है इन तमाम ऑफिशियल्स पे होना चाहिए। और लाल बहादुर शास्त्री जब थे तो उन्होंने इस्तीफा दिया था, आज उन्हीं के परिवार जन भाजपा में आ गए तो इस्तीफा नहीं दे रहे जब तक निष्पक्ष जांच नहीं होती। ठीक बात, ये कैसी जांच होगी? ठीक है, मैं आता हूँ शहजाद आपके पास, दूसरे और भी कई सवाल है, तो मैं इस्तीफे की मांग करता हूँ, आपराधिक लापरवाही का केस बने, मर्डर का केस बने इन लोगों के खिलाफ। ठीक है केसी जैन साहब, क्या सिर्फ बयानों की सियासत हो रही है? मैं आता हूं शिवप्रताप शुक्ला जी, मैं आ रहा हूं आपके पास सर, मुझे एक मिनट का वक्त दीजिए। केसी जैन साहब, क्या सिर्फ बयानों की सियासत हो रही है कि सिर्फ बयान दे दिए जाते हैं और फिर पल्ला झाड़ लिया जाता है? देखिए बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी हो रही है और हर कोई अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहा है, सरकार तथ्यों को छुपा रही है और उस पर लिपापोती करने पे लगी हुई है। देखिए जो पिछले पांच दिनों में 70 बच्चों की मौत हुई, उन 70 बच्चों की मौत पे सवाल नहीं उठ रहा है, सवाल उन 32 बच्चों की मौत पे उठ रहा है जो अननेचुरल डेथ हुई है, जो इस पे सीधे सीधे अस्पताल प्रशासन, मंत्री और सीएमओ, वहां का गोरखपुर का सीएमओ सीधे सीधे इन लोगों के खिलाफ 302 का मुकदमा सरकार को पंजीकृत कराना चाहिए और इनके ऊपर ये मुकदमा चलना चाहिए। ये सीधे सीधे हत्या का मामला है, ये लापरवाही, इतनी बड़ी लापरवाही कि ऑक्सीजन की कमी से अगर 32 बच्चे मर जाते हैं तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या होगा? मोदी जी एक तरफ स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, ठीक है, और मैं आता हूं आपके पास केसी जैन साहब, आज हम सिर्फ गोरखपुर में जो बच्चों की मौत हुई उस पर हम रहना चाहते हैं। हमारे पास कौन कौन क्या कह रहा है इस पर हम बाद में बात करेंगे, कौन कौन क्या कह रहा है इस पर हम बाद में बात करेंगे। शिवप्रताप शुक्ला जी, आप कुछ कहना चाह रहे सर, जल्दी से कह लीजिए, फिर मैं अगला सवाल करूँ आपसे। देखिए मोदी, मैं आता हूँ केसी जैन साहब, मैं आ रहा हूँ शिवप्रताप शुक्ला, जल्दी से बात को कहा, मैं एक मिनट लूंगा बस। ठीक है केसी जैन साहब, दोबारा आप कह लीजिएगा, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। शहजाद साहब ये कह रहे थे, मोदी जी की बात कर रहे थे, जी जी, लेकिन 2009 में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में गुलाम नबी आजाद साहब थे, इसी मेडिकल कॉलेज में आए थे, जब उनसे कहा गया था कि इस मेडिकल कॉलेज को मदद किए, तो उन्होंने साफ कहा था कि राज्य सरकार का मामला, केंद्र उसमें कोई मदद नहीं करेगी। आप आए हैं तो संवेदनशीलता जग गई है, उस समय क्या संवेदनहीनता हो गई थी क्या? तो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ भाई, मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जो गुलाम नबी आजाद साहब कहे थे।
यही आकर के इसी गोरखपुर मेडिकल कॉलेज ठीक है स्वास्थ्य मंत्री शुभप्रताप शुक्ला जी आप बने रहिए आपकी बात मैं समझ शहजाद एक मिनट आज मुख्यमंत्री ने भी कोट किया आज केसी जैन साहब एक मिनट का मुझे वक्त दे दिए मैं बहुत गंभीर विषय पर चर्चा कर रहा हूँ केसी जैन साहब सुन लीजिए जरा बहुत गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है एक मिनट का टाइम दीजिए शहजाद आप जो सवाल उठा रहे थे कि ये कौन गया कहां का आज मुख्यमंत्री जी ने भी इसको कोट किया था लेकिन प्रधानमंत्री जी भी गए थे 22 जुलाई को गोरखपुर एम्स का उद्घाटन करने के लिए अब से ठीक एक साल पहले उस दौरान क्या कहा था उन्होंने सुन लीजिए फिर शहजाद मैं आपके पास आता हूं और जब मैं मस्तिष्क ज्वर का सुना था बालकों को जापानी बीमारी कहते थे लोग जापानी बीमारी कितने बालक मौत के शरण हो गए कितने बालक दिव्यांग हो गए भाइयों बहनों ये बचपन को मरने नहीं दिया जाएगा इन बच्चों को मरने नहीं दिया जाएगा और मुझे लगता है कि इस मंच पर शिवप्रताप शुक्ला जी भी मौजूद थे शहजाद आप कुछ कहना चाह रहे थे जल्दी से कह लीजिए फिर मैं जाऊंगा शिवप्रताप जी के पास दो चीज ही कहना चाह रहा हूं कि आज के बाद भाजपा वंदे मातरम ना कहें कहे बंदे मारते हम और अगर ये बच्चे ना होते और गाय होती तो भाजपा के नेता सड़क पे होते प्रधानमंत्री बयान देते और शायद मुख्यमंत्री और इनके हेल्थ मिनिस्टर का रेजिग्नेशन हो जाता अफसोस है कि ये गाय नहीं है ये बच्चे हैं इंसान के तो इसलिए भाजपा के पेट का पानी नहीं हिल रहा आरएसएस के पेट का पानी नहीं हिल रहा ठीक है कि ये इनका दुखद चीज़ है कि ये बच्चे मरे हैं गाय नहीं मरी है नहीं लेकिन शिवप्रताप शुक्ला जी मुझे एक चीज़ बताइए आप भी एक सांसद हैं और जब मैं कुछ आंकड़े देख रहा था अगर मैं गलत हूं तो मुझे आप करेक्ट कर दीजिएगा अगर मैं कुछ गलत आंकड़े आपके सामने रख रहा हूं क्योंकि आज आप एक सांसद हैं जो बजट आया उत्तर प्रदेश को सांसदों को 1020 करोड़ का बजट मिला और ये बजट खर्च करना था आप 80 लाख तकरीबन 80 लाख एक ज़िले में 1 लाख रुपये के आसपास जो हॉस्पिटल के उपकरण हैं वो खरीदे गए तो अगर किसी मद में पैसा आ रहा है और उसको खर्च करना इतना कम खर्च हो रहा है उस सही चीज़ों पर खर्च ही नहीं हो रहा है तो फिर तो नीति और बयानबाजी और सिर्फ सब कुछ सियासत पे अटक गया ना देखिए आज भी एक मशीन के संदर्भ में क्योंकि हम लोग जो है बच्चों के वार्ड में गए थे तो एक मशीन के संदर्भ में मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि भाई ये मैंने आर्डर किया था 9 जुलाई को अभी आई क्यों नहीं तो अधिकारी ने ये बताया कि साहब उसमें समय लगता है अभी 4 हफ्ते लगेगा तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों उन्होंने कहा ये पुराना नियम पुराने शासन का बना हुआ है वहीं पर चीफ सेक्रेटरी को उन्होंने कहा कि भाई ऐसे कैसे चलेगा पुराने नियम इसको तुरंत आप वो करिए और जितना जल्दी से जल्दी हो सके ऑनलाइन उसको करा करके ये कीजिए कुछ नियम तो ऐसे हैं जो चले आ रहे हैं बाबा आदम के जमाने से निश्चित रूप से हम लोगों को उसको चेंज करने की जरूरत है आप क्यों नहीं बदले नियम क्या क्या बात है सुनो भाई केवल आरोप लगाना मत सीखो नियम के बारे में समस्याएं जब आती है आपने प्रोएक्टिव नियम क्यों नहीं बदला अगर नियम खराब थे तो ये भी जिम्मेदारी आपकी है आप जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते अरे भाई जो निर्णय जो जो आप गलतना करते हैं आप गाय और बच्चे आरएसएस इसकी आपके दिमाग में ये आपके दिमाग में यही भरा हुआ है जिसका परिणाम होता है कि आप आरएसएस पर चले जाते हैं आप बीजेपी पर चले जाते हैं पात्र है उसी का परिणाम है कि आप जमींदोज होते चले जा रहे हो और आने वाले दिनों में देश की जनता आपको समय निकाल तक करके फेंक नहीं रहेगी केवल इसी का परिणाम है आप अगर देश समय, के बच्चों का समय के अनुसार चलना सीखो युवा बाहर निकाल साजा साहब समय के अनुसार केवल आरोप से नहीं होता है आज जिस दृढ़ता के साथ योगी आदित्यनाथ जी ने और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इस पक्ष को रखा है कि चाहे जितने भी हो उन्होंने चीफ सेक्रेटरी से कहा कि जो भी इसका दोषी हो
ठीक है, वो रिपोर्ट हम मैं आता हूँ। शिव प्रताप शुक्ला जी, केसी जैन साहब आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से कह लीजिए, फिर और भी सवाल है जो शिव प्रताप शुक्ला जी से पूछने। केसी जैन साहब ठीक, हम बहस से ना भटके। केसी जैन साहब जल्दी से देखिए, देखिए आदरणीय, देखिए देखिए आदरणीय शिव प्रताप शुक्ला जी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन जिन बच्चों की मौत हुई है क्या उन बच्चों की जान वापस आ जाएगी? उन माओं की गोद भर जाएगी उन पे कार्रवाई होने से? हम कहते हैं ठीक है आप फांसी चढ़ा देंगे उनको, जिन लोगों ने लापरवाही बरती, लेकिन आपके पास शासन प्रशासन केंद्र में आपकी सरकार, आप कांग्रेस के जमींदोज होने का जश्न क्या बच्चों की हत्या करके मनाएंगे? आप हर बात में कहते हैं कांग्रेस जमींदोज हो जा रही, चर्चा किस पे हो रही है, बात किस पे हो रही है? आप इतने संवेदनशील है एक तरफ कह रहे हैं, दूसरी तरफ इतने संवेदनशील मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे हैं कि कांग्रेस धीरे जमींदोज हो रही। 2012 से 2017 तक आप भी थे, क्या सुधार किया था ये भी बता देते तो बेहतर होता। केसी जैन साहब पूरी व्यवस्था थी, केवल बाद में इतने बच्चों की वो सरकार में उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन 12 से 17 तो आप भी थे ना साहब, आपने क्या बदल दिया ये भी बता दीजिए, आपकी भी तो जिम्मेदारी थी ना। नहीं नहीं देखिए 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 माननीय मुख्यमंत्री, नहीं देखिए अगर आप उस पर चर्चा करने बैठेंगे, नहीं मैं उस पर कतई अभी चर्चा नहीं करना चाहता क्योंकि ये विषय बहुत बड़ा है, विषय बहुत बड़ा है। शिव प्रताप शुक्ला जी ठीक है, शिव प्रताप शुक्ला जी पिछली सरकार अगर करके आपको कुछ मिलेगा, अगर अगर आपको ये लगता है कि माननीय कपिल खान ने कहा कि वो सिलेंडर बाहर से ला रहे हैं, आपको लगता है कि वहां पर अधिकारी काम नहीं कर रहे थे, डॉक्टर काम नहीं कर रहे थे, उसमें दिक्कतें थी, तो क्या आप लोगों को ये जानकारी नहीं थी? मुझे मतलब हैरानी हो रही है कि आप तो खुद गोरखपुर में रहते हैं और योगी आदित्यनाथ तो लगातार सीधे संवाद करते हैं लोगों से, तो क्या ये जानकारियां आप तक नहीं पहुंचती है कि वहां क्या हो रहा है? आपको तो जानकारी होगी। देखिए अगर 9 तारीख को ही योगी आदित्यनाथ जी को यह बताया गया होता है कि कुछ कमियां हैं, एक बात आई थी पैसे की, तो 5 तारीख को ही उत्तर प्रदेश सरकार ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज को पैसा दे दिया गया और 7 तारीख तक उसका भुगतान नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ जांच का विषय ये है, सरकार पैसे देने में कहीं दोषी नहीं है, कहां ये गड़बड़ी हुई है ये है। हम तो सरकार से ये भी मांग करना चाहेंगे कि जो कंपनी ऑक्सीजन के सिलेंडर को या लिक्विड ऑक्सीजन को सप्लाई करती उसकी भी जाँच होनी चाहिए, इसके साथ साथ जो भी विषय हो उसका पूरा जांच हो जाए। हम वास्तव में यह है कि योगी आदित्यनाथ जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते करते मतलब रुहासे हो गए, रोने की स्थिति जैसी हो गई, क्योंकि उन्होंने उन बच्चों के लिए उनके परिवार के लिए आज से नहीं बरसों से संघर्ष करते चले आ रहे हैं। आप खुद सोचिए अगर आपके घर में ऐसा हो रहा है, उनकी आपके घर में ऐसा हो रहा है तो बाकी जगहों पर क्या होगा? झांसी में भी, झांसी मेडिकल कॉलेज में भी पत्र लिख दिया गया उन्होंने 35 लाख का बकाया आप नहीं देंगे तो हम ऑक्सीजन गैस की सप्लाई रोक देंगे। ये तो अलग 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 जिलों में हो रहा है ना, अगर आपके घर में ही ऐसा हो रहा है तब तो फिर आप दूसरे जिले का छोड़ दीजिए। शिव प्रताप जी बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त इतना ही था। शिव प्रताप शुक्ला जी, शहजाद पुनावाला, केसी जैन साहब, सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। यहां रुक रहे हैं कुछ पलों के लिए।